एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोजेक्ट में चयनित जिले के टेराकोटा को प्रोत्साहन देने के लिए अमेजॉन कंपनी से उसे ऑनलाइन बिक्री की स्वीकृति दे दी गई है, जिसके लिए टेराकोटा उद्यमियों की जीएसटी के दायरे में आना होगा, जिसको लेकर उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव के नेतृत्व में जीएसटी कैंप जिला उद्योग केंद्र गोरखनाथ में लगाया गया, जिसमें टेराकोटा शिल्पियों को जीएसटी की पूरी जानकारी दी गई तथा उनका रजिस्ट्रेशन भी किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उपायुक्त उद्योग और उप वाणिज्य कर अधिकारी ने बताया, सर सबसे परेशानी अभी तक, जैसे हम लोग मान लीजिए हैदराबाद से मान लीजिए बाहर ही भेजते हैं, तो रास्ते में ये पूछा जा रहा था कि हमको जीएसटी या उसका टीन नंबर जीएसटी में दो प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है, एक वॉलंटरी होता है और दूसरा मैंडेटरी होता है। अगर आप टर्नओवर स्लैब 20 लाख से अबव है वो मैंडेटरी हो जाता है। अन्य सारी चीजों में जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ भी आपको मिलेगा, प्लस व्यापार का एक प्रोत्साहन मिलेगा। बड़ी बड़ी जो भी एंटिटी है आप लोन भी लेना चाहोगे या फिर प्रोग्राम लगाते हैं या तो नंबर मिलेगा वो 50 डिजिट का होगा, बस वो आप रखे रहिए, जरूरी नहीं है हर जगह आपको जो है अपना सर्टिफिकेट जाना। अपने उद्योग विभाग की तरफ से एक जिला एक उत्पाद एक योजना है, इसके तहत टेराकोटा वालों का अपने हस्त शिल्प से संबंधित जो भी है उनका टाई अप है। अमेजोन एक प्लेटफॉर्म देगा जिसके थ्रू वो अपने उत्पाद को बेच सकते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन उनको फैसिलिटी मिल जाएगी, लोगों तक पहुंच हो जाएगा आसानी से। तो एक जीएसटीएन नंबर जो उनको अपनी खरीद बिक्री के लिए बहुत ज़रूरी है, ये वाणिज्य कर विभाग की तरफ से इनको अवेलेबल कराया जा रहा है, जिससे इनको कोई दिक्कत ना हो और भी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। और भी लोगों को, हाँ और भी जो इस हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं टेराकोटा छोड़ के, मेरे ख्याल से वो भी इसमें इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, उनकी तक जानकारी अगर पहुंचती है तो ज़रूर इस योजना का लाभ उठाएं। अमेजॉन और प्रदेश सरकार के मध्य 10 अगस्त को एक ODOP समिट के दौरान एक MOU साइन किया गया था। उस MOU के अंतर्गत अमेजॉन ने 30 हस्तशिल्पियों का ODOP हस्तशिल्पियों का अपने अमेजॉन की वेबसाइट पे फ्री ऑनबोर्डिंग करने का फैसला किया था। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ कई वर्कशॉप भी करवाए हैं। वर्कशॉप के दौरान अमेजॉन के अधिकारियों ने हमें अवगत कराया कि इनका GST रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, क्योंकि इनकी आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि ये लोग स्वयं कर पाएँ ये काम। तो हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के अथक प्रयासों से यहाँ एक GST कैंप लगवाया है, जिसमें वाणिज्य कर के अधिकारी श्री विशाल चौधरी जी हमारे बीच हैं, जो इनका निःशुल्क GST रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसके बाद हम लोग इनकी ऑनबोर्डिंग अमेजॉन की वेबसाइट पर करवाएंगे। हमारा ये लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक टेराकोटा का हस्तशिल्प जो है वो अमेजॉन पे बिक्री होना शुरू हो जाए। हमारा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन इसमें किया जा सके, पर चूंकि अमेजॉन सिर्फ शुरू के चरण में केवल 30 लोगों की फ्री में ऑनबोर्डिंग करवाना चाह रहा है, इसलिए पहले हमारा प्रयास है कि कम से कम 30 लोगों की GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज करवा ली जाए।